नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में दीपावली की रात पीएससी में क्वार्टर मास्टर पद पर तैनात सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर राजाजीपुरम में अपने रिश्तेदार से मिलकर देर रात अपने घर लौटे थे, तभी बदमाशों ने 3 से 4 राउंड गोली चला दी। इस दौरान इंस्पेक्टर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए और परिजन उन्हें लोकबंधु अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इंस्पेक्टर को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस रंजिश से लेकर सभी एंगल पर जाँच में जुट गई है। हमें नहीं पता कौन लोग थे। 2:30 बजे के आसपास की घटना है और हम और बच्ची पीछे गाड़ी में सो रहे थे क्योंकि काफ़ी तबीयत खराब थी। तो उसके बाद आवाज़ आई, ये हम लोग सो रहे थे तो ये उतर के दरवाज़ा खोलने लगे तो हमें जगाया नहीं इन्होंने, और अचानक ही आवाज़ आई और हमारी नींद खुली। क्या मैम, जिस तरीके की घटना हुई इससे पहले कोई धमकी भरी कॉल आई हो या कोई ऐसी धमकी आई हो कि जिससे कि पहले से डर हो? नहीं, ये परसों ही तो शाम को आया, इलाहाबाद पोस्टिंग है तो हमें तो कुछ नहीं पता। इन्होंने बताया हो कोई दुश्मनी हो, किसी से रंजिश हो, कोई धमकी इनको आ रही हो जिसको लेकर के परेशान हो? नहीं, ये परेशान नहीं थे, ये नॉर्मल थे बिल्कुल, लेकिन हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या लग रहा है हत्या के पीछे क्या वजह लग रही है? कुछ अभी तक आपको मालूम चला हो कि हत्या के पीछे वजह क्या रही हो, क्या कोई बात रही हो पुरानी? पुरानी बातें हो सकती हैं लेकिन मुझे नहीं पता है इस बारे में। क्या ये जानकारी लग पाई कितने लोग आए थे बाइक पे? मैंने एक को ही भागते देखा था, मैंने एक इंसान को एकदम से भागते देखा था, वो भी मैंने पहले मुझे पता ही नहीं था। मैं एकदम से उठी तो मुझे पता ही नहीं हुआ क्या, एकदम से आवाज़ आई, फिर मैंने गाड़ी के आगे देखा, मैंने कहा क्या हुआ, एकदम से इन्होंने चिल्लाया तो मैंने देखा तो ये एकदम से गिर गए, और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, एक बस एक इंसान साइड से भागते हुए दिखाई दिया। देर रात करीब 2:30 बजे कृष्णानगर थाना क्षेत्र के मानस नगर से डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को उनके घर के गेट के जस्ट बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो ये व्यक्ति सतीश कुमार है, ये ज्ञात हुआ कि ये वर्तमान में जनपद प्रयागराज के चतुर्थ वाहिनी में पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात है। प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा, पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दीपावली का त्यौहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच सेंधमारी की घटना सामने आई, क्योंकि दीपावली के दिन पुलिस वाले की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का स्थान कृष्णानगर और उसका आवास तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये उसी मृतक इंस्पेक्टर सतीश का घर है जहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीती देर रात जब वो अपने रिश्तेदार के घर से वापस अपने आवास पहुंचा, घर का दरवाजा खोल ही रहा था, उसी दौरान बाइक सवार बदमाश आया और एकाएक उस पर गोलियों की तड़तड़ाहट से फायरिंग कर दी और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए फॉरेंसिक के साथ साथ जो अन्य टीमें थी वो यहां पर पहुंची, जांच सैंपल लिया गया। जाँच के बाद जिस तरीके से जो यहां से घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने जाँच की, उसके बाद पुलिस टीम ने 5 टीमें तो इस घटना के पीछे लगा दिया खुलासे को लेकर के, लेकिन अभी इस हत्या के पीछे वजह क्या है वो
वो साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज में पीएसी में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और उसके बाद दीपावली में जिस तरह घर आए और घर पर उनकी हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि इस हत्या के पीछे प्रयागराज और लखनऊ के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है। क्योंकि आप ये घर पर जो नेम प्लेट देख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है एसके सिंह इंस्पेक्टर यूपी पुलिस, मकान नंबर भी लिखा हुआ है मानस नगर P886। ये घर का अंदर का हिस्सा है, आप देख रहे हैं परिवार यहीं पर है और परिवार के बीच भी पूरी तरीके से मातम का माहौल है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो अपनी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरह से इंस्पेक्टर की दीपावली के दिन गोली मारकर हत्या की गई, इस हत्या के पीछे वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि इस मामले में जो टीमें लगी हैं वो अलग अलग कार्यों पर अपना काम कर रही है, फिर चाहे एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हो तो दूसरी सर्विलांस टीम उनकी लोकेशन के आधार पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है, और इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच जिस तरह से लगाई गई है और दावा किया गया है कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा होगा। खुलासे के बाद देखना यह होगा कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या कुछ निकल कर सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल अमन कश्यप अपने 3 साथियों के साथ लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। वहीं वारदात का खुलासा करने के बाद पुलिस गैंगस्टर के जमानतगीर पर भी कार्रवाई करेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को चिन्हित कर उनके साथ लूट की वारदातों को अंजाम देने वाला एक गिरोह पुलिस के हाथ चढ़ा है, जो कि दीपावली के त्यौहार में ही महिलाओं को चिन्हित कर रहा था और लूट की घटना को भी अंजाम दिया। इस घटना में खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक गैंगस्टर का भी आरोपी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए DCP ईस्ट आशीष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से एक गैंगस्टर अपना गिरोह चलाते हुए लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, कैसे चिन्हित किया गया, कैसे इसकी गिरफ्तारी की गई? बीती 9 नवंबर को धनतेरस का बाजार लगा हुआ था चिन्हट में, जहां पर इन अपराधियों ने एक महिला की चीन छीनी और पैदल ही वहां से फरार होने में सफल रहे। इसकी जानकारी होने पर तत्काल थाना चिन्हट में अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना चिन्हट की पुलिस ने SHO चिन्हट के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य करते हुए महज 3 दिन में पूरी घटना का खुलासा किया, जिसके लिए उन्होंने कई CCTV कैमरे खंगाले, जिसमें आई हुई फ़ोटो से इन अपराधियों की पहचान हुई और उनकी गिरफ्तारी करके आज एक जो चैन गई थी वो चैन की बरामदगी की गई है। साथ में जिस मोटरसाइकिल से ये घटना कार्य की गई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद है। इन अपराधियों के ऊपर 10 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके जो जमानतदार हैं इनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं और इनके अन्य साथियों को भी हम लोग देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से अमन की बात की जाए, वो गैंगस्टर का एक आरोपी है, इसने जो अपने 2 लोगों को शामिल किया, वो अपना गिरोह किस तरीके से तैयार किया, इन लोगों को लालच क्या दिया? क्योंकि ये लोग, एक शिल्पकार है, मूर्तियाँ बनाता है, दूसरा भी एक मजदूर किस्म का ही है, इन लोगों को चिन्हित करके अपने गिरोह में कैसे शामिल किया? जैसा कि अभी तक की जानकारी में पता चला है कि ये लोग नशे के आदी हैं और मोस्टली अपराध करके जो पैसा मिलता है उससे नशा करते हैं। उसी क्रम में ये लोग आपस में एक दूसरे के परिचय में आए थे। इन्होंने मिल करके या अलग अलग अन्य क्या अपराध किए हैं, इस बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर, इस घटना के खुलासे में एक अहम चीज़ ये आती है कि जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियों पर तो पुलिस का मोनोग्राम रहता है, लेकिन ये जो बदमाश हैं, लूट की घटना करते हैं, पुलिस का मोनोग्राम लगी हुई बाइक है, तो क्या पुलिस को भी गुमराह करने के लिए, घटना को आसानी से अंजाम देने के बाद निकलने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा कुछ जानकारी में मिला? जैसा कि इनकी बाइक पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, पाई गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने ज़रूर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी है। इसमें हम आगे ध्यान रखेंगे कि जो भी क्षेत्र में इस तरह की बाइकें हैं जिनमें कुछ भी चीज़ें लिखी हैं उनको हम ज़रूर वेरीफाई करें और उसके बाद ही उन बाइक वालों को ये चीज़ें लिखने के लिए अलाउ करें। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग जो जमानत पे बाहर निकलते हैं, लुटेरे हैं, डकैती में जो शामिल हैं या फिर जो चोरी में शामिल हैं, वो लोग जब निकलते हैं उनका वेरिफिकेशन कराते हैं कि कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे किस जगह पर रह रहे हैं, तो इस चीज़ों को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा था, उस अभियान में भी कहीं ना कहीं ये भी शामिल होगा, उसके बाद भी पुलिस को गुमराह करते हुए इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तो इसके बाद आके क्या कुछ आपका कदम उठेगा? देखिए, सभी जो अपराधी हैं, सक्रिय अपराधी हैं, वो जो जेल से छूट के आते हैं उनकी निगरानी के लिए हम लोग नो योर क्रिमिनल नाम से अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे बीट आरक्षी और हमारे हल्का प्रभारी इन सभी के घरों में जाकर के जमानतदारों का सत्यापन करते हैं और इनके द्वारा क्या काम हो रहा है उसकी भी जानकारी करते हैं। तो आगे हम ये प्रयास करेंगे कि जो अपराधी इस तरह के हैं इनके जमानतदारों को हम ज़रूर
उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कि किस क्रम में उन्होंने इनकी जमानत ली और उसके बाद भी ये लोग अपराध में लिप्त पाए गए, और अपने जो हमारे स्टाफ हैं पुलिस स्टाफ उनको भी हम लोग और सक्रिय करेंगे ताकि ये लोग जेल छूटने के बाद अन्य अपराध ना कर पाएं। सर, जिस तरीके से घटनाएं हो रही, घटनाओं की रोकथाम, यानी कि कभी पुलिस बन करके ठगी होना, लूट की घटनाओं होना, ज़्यादातर महिलाओं को चिन्हित करना, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश है जिससे कि घटनाओं पर अंकुश लग सके? मुख्य रूप से यही संदेश है कि जब हम बाहर निकलें तो अपने कीमती सामान को छुपा संभाल करके रखें, जैसा कि चेन वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो ईज़िली लोगों के नज़र में आती हैं और लोग उस पर अटैक करते हैं। साथ ही जो लोग जैसे जो इस तरह के वल्नरेबल जैसे वृद्ध हैं या महिलाएं हैं तो वो अकेले ना निकलें, उनके साथ यदि कोई रहता है तो इस तरह के अपराधी उनको चिन्हित नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। तो जिस तरीके से हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी ईस्ट आशीष श्रीवास्तव जी मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह से घटना के खुलासे पर बताया तो उसके साथ ही जो लोगों से अपील की है उस अपील का पूरी तरह से ध्यान रखें जिससे कि आगे आने वाली घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। देवबंद में मदनी मेमोरियल स्कूल के अंदर जमीयत उलमा हिंद की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संबोधित करते हुए बताया कि फिलिस्तीन जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरीके से हमने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी, इसी तरीके से फिलिस्तीन भी अपने देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहा है। जमीयत उलमा हिंद का ये प्रोग्राम दो चरणों में होना था, लेकिन अरशद मदनी ने अपने संबोधन के बाद पहले ही चरण में ख़त्म कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान देते हुए कहा कि ये लोग तुच्छ राजनीति के चलते हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दो कसम खा रखी, दो संकल्प ले रखे। पहला, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। जब भी बोलते हैं करोड़ों हिंदुओं के दिल को दुखाते हैं। दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद कर। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम एजेंसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक धर्म को रोज गाली देने वाले व्यक्ति के बोलने पर ही पाबंदी लगा दी। संबल में ग्रामीण समस्या समाधान एनजीओ का गठन किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने देवेंद्र कुमार को संबल जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण समस्या समाधान संस्थान एनजीओ में ग्रामीणों का मुद्दा उठाया जाएगा, साथ ही ग्रामीण कार्य को संस्था के माध्यम से उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। पीलीभीत में शेरपुर कला तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत शेरपुर कला में धनारा घाट रोड पर जिला पंचायत के तरफ से ठेकेदार के माध्यम से नाला निर्माण कार्य कई महीनों से कराया जा रहा है। वहीं नाला निर्माण अधूरा छोड़कर ठेकेदार रफो चक्कर हो गया और जानकारी लगने के बाद ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जहां तक नाले की खुदाई की गई वहां तक नाला निर्माण कराए जाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार नाला निर्माण अधूरा छोड़कर चला गया और अब ठेकेदार अधूरे पड़े नाले का भुगतान निकालने की जुगत में लगा हुआ है। साथ ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नाले निर्माण कार्य में अनियमितता का भी आरोप लगाया है। अरे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, अभी क्या मामला है? जो नाला उन्होंने अधूरा बनाया है, जिला पंचायत से नाला बनना है और नाला मानक में नहीं बनना है और उन्होंने जो गड्ढा खोद कर डाल दिया आगे, सामान भी सारा भर ले गए हैं, कह रहे इतने एस्टीमेट है हमारा इतने बनाएंगे और ठेकेदार जो है वो पेमेंट निकालने की फिराक में है। ये हम लोग जो है दिक्कत है, इसीलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा है। बहराइच के कोतवाली नानपारा इलाके के इटहा गांव में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का उसका मामला सामने आया है और परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर मौत से दो दिन पहले मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मारपीट के बाद आई चोट के कारण व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।